तो हमेशा मैं लॉस सैंटोस के अंदर साइकिल वगैरह चलाता रहता हूँ एंड वहीं पर चोरियों की प्लानिंग करता हूँ। बट आज मैं आया हूँ पलीटो बे की तरफ। एंड तुम लोगों का यही सवाल होगा, भाई पलीटो बे में क्या चुराने आया हूँ मैं? पलीटो बे में तो एवेंजर्स भी नहीं रहते कि उनकी गाड़ी चुराऊं। बताता हूँ मैं अवेंजर्स या फिर किसी की गाड़ी चुराने नहीं आया हूँ, मतलब गाड़ी तो चुराने ही आया हूँ मैं, लेकिन अवेंजर्स में से किसी की नहीं, मैं चुराने आया हूँ पुलिस वालों की गाड़ी। अब देखो भाई, लॉस सैंटोस के अंदर मेनली 3 फेमस पुलिस स्टेशन्स है। पुलिस स्टेशन तो खैर और भी है, लेकिन मैंने आज तक सिर्फ 3 पुलिस स्टेशन से गाड़ी चुराई है। एक वो जो सबसे फेमस पुलिस स्टेशन है, एक वो जो लॉस गैंग वालों के पास है, मतलब लॉस गैंग के बेस के पास, एंड एक पुलिस स्टेशन जो मेज बैंक बिल्डिंग की तरफ है। 3 फेमस पुलिस स्टेशन है, वहाँ से मैं गाड़ी बाइक चुरा चुका हूँ। बट पलीटो बे के पुलिस स्टेशन से मैंने आज तक कभी भी कोई गाड़ी नहीं चुराई है, कोई बाइक नहीं चुराई है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई चलते हैं, ज़रा देखते हैं, कोई अच्छी गाड़ी मिल जाएगी तो चुरा लूँगा। तभी मैंने यहाँ पर 2 पुलिस वालों को बात करते हुए सुना कि यहाँ के पुलिस स्टेशन पे एक स्पोर्ट्स पुलिस कार आई है। भाई यस, पुलिस कार, वो भी स्पोर्ट्स कार, बताओ यार कोई बात होती है। एंड जैसे ही मुझे ये पता चला, अबे ये कहाँ फंस गया मैं, मेरी साइकिल उधर ही रह गई, रुक जाओ निकालता हूँ बाहर। हाँ तो गाइस, मैं कह रहा था जैसे ही मेरे को ये पता चला कि अरे भाई स्पोर्ट्स कार, वो भी पुलिस स्पेशल, तब मैंने सोचा कि भाई चलो गाड़ी तो अब यहीं से चुराएंगे, पलीटो बे के पुलिस स्टेशन से चुराएंगे एंड वो स्पोर्ट्स कार ही चुराएंगे, पुलिस स्पेशल स्पोर्ट्स कार चुराएंगे। तो मैं आ गया भाई, आई एम रेडी। पीछे ट्रेन आ रही है, खैर ट्रेन को छोड़ो, ट्रेन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है पलीटो बे के उस पुलिस स्टेशन से एंड उस पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी उस स्पोर्ट्स कार से, पुलिस स्पेशल स्पोर्ट्स कार। मैंने ये भी बात करते हुए सुना है कि भाई उस स्पोर्ट्स कार की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 400 से ऊपर जाती है एंड बहुत अच्छी हैंडलिंग है उसकी, बहुत अच्छे कंट्रोल्स है। बस जैसी ये सब बातें पता चली ना भाई, मैं आ गया मुँह उठा के यहाँ पे। खैर पुलिस स्टेशन ज़्यादा ढूंढना मुश्किल नहीं है पलीटो बे के अंदर, क्योंकि ये रहा, शुरुआत होते ही मिल जाता है। यस भाई, बिल्कुल शुरुआत में ही है पुलिस स्टेशन। एंड मान लो बीच में भी होता पलीटो बे के, तो तब भी मुश्किल नहीं होती क्योंकि छोटा सा तो पलीटो बे है। खैर यहाँ पर इतना ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है? ओके रेड लाइट हो रखी है ये, लेकिन किसके लिए, कौन जा रहा है इधर? अब किसके लिए रेड लाइट हो रखी है? अरे जाओ ना बे, बिंदास जाओ, क्या ही ड्रामा है भाई। खैर ये रहा पुलिस स्टेशन एंड यहीं पर है भाई वो स्पेशल पुलिस स्पेशल स्पोर्ट्स कार। वो रही वही है क्या? यस यही है, ये देखो कलर कॉम्बिनेशन ब्लू, अरे ऑरेंज, ओ धूप की रोशनी में थोड़ा सा वो येलो चमक रहा है, आई गेस पैलसेंट कलर है वो। तो इसमें कितने कलर हो गए? येलो पैलसेंट में हो गया, ब्लैक है, वाइट एंड ब्लू है, 4 कलर से बनी हुई है गाड़ी। ये स्पोर्ट्स कार काफी ब्यूटीफुल लग रही है। फिलहाल पुलिस वाले वो रहे यार स्टेशन के पीछे, ये चुराऊंगा तो लफड़ा तो जरूर होगा, बट चलो ना भाई, डरते हैं क्या पुलिस वालों से? अबे जब लॉस सैंटोस की पुलिस से नहीं डरा, ये तो फिर भी पलीटो बे वाले हैं, क्या ही कर लेंगे मेरा। लेट्स गो एवरीवन, कम ऑन, चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। ये रास्ता ठीक नहीं था, रास्ता तो ठीक है लेकिन मैं बाइक मतलब साइकिल ले जाके एंटर करने की कोशिश कर रहा था सिंपली, जबकि मैं एज ए दीवार टाप के भी एंट्री कर सकता हूँ, या शायद नहीं कर सकता, दीवार ऊंची है, हाँ यहाँ से जा सकता हूँ। पुलिस वाले ने देखा नहीं है, नाइस, यहाँ छुप जाते हैं, लगता है मेरे छुपने के लिए बनाया गया है। भागो 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 भागो, गाड़ी की तरफ चलो, सबसे पहले तो ये पीछे वाली गाड़ी साइड में हटाते हैं, कोई देख ना ले, बस बस कोई देख ना ले, आराम से जल्दी जल्दी भाई जल्दी, बहुत ही बढ़िया, नाइस नाइस, क्विकली 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 खोलो दरवाज़ा गाड़ी का, लेट्स गो लेट्स गो, कम ऑन, फटाफट फटाफट, चलो 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 चलो। ओ नो, फाइव स्टार की पुलिस यहाँ पर पीछे पड़ चुकी है, बट कोई बात नहीं, डरते हैं क्या? 400 की रफ्तार वाली गाड़ी है भाई मेरे पास, 400 की रफ्तार पकड़ती क्यों नहीं है ये गाड़ी? ओके 200 250, और आओ भाई क्या फास्ट दौड़ रही है स्पोर्ट्स कार, पुलिस स्पेशल स्पोर्ट्स कार की स्पीड देखो भाई तुम लोग, 300, ओ नो मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इधर तो मैं लॉस सैंटोस पहुँच जाऊँगा, आई गेस मुझे उल्टी डायरेक्शन में जाना चाहिए था। सर सॉरी सॉरी सॉरी, भागो 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 भाई, पिछवाड़े पे गोलियाँ पड़ रही है, बुलेट प्रूफ जैकेट मेरा साथ दे यार, ये गाड़ी इतनी फास्ट है मैं आगे की विंडशील्ड तोड़ के पूरा बाहर निकल गया। खैर जो भी हो, क्विकली क्विकली फास्ट, कम ऑन यार, 250 से ऊपर तो जा नहीं रही, वो 2 पुलिस वाले कैसी बात ही कर रहे थे, ये 400 से ऊपर जाती है। ओके जा रही है भाई, 370 गई, बट कितना कंट्रोल करना मुश्किल है इसे, वो लोग कह रहे थे हैंडलिंग बहुत आसान है, कंट्रोल बहुत ही बढ़िया है, किस बात के कंट्रोल बढ़िया है, थोड़ी सी इधर ठुकती नहीं है मैं सीधे बाहर आ जाता हूँ, 400 से 350 से ऊपर जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है गाड़ी, आई गेस बहुत ज़्यादा संभल के चलानी पड़ेगी भाई ये गाड़ी, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, फर्स्ट पर्सन व्यू में ज़रा चलाते हैं। ओके 250 300, ओ भाई साहब, अबे आगे स्पीडोमीटर पे 180 लिखा आ रहा है, या राइट हैंड साइड में 300 150 लिखे आ रहा है, भाई क्या ड्रामा चल रहा है ये,
कौन सा वाला रियल है? आई गेस बाहर वाला ही रियल है यार। अंदर वाला तो देखो 180 पे ही अटक गया, लेकिन ये स्पीडोमीटर बढ़े जा रहा है। हाँ बाहर वाला ही रियल है। 300 400, देखो 400 तक सच में ही पहुंच गया था भाई ये तो। वो अंदर बैठ के क्या कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो 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 नो, पुलिस वाले, पुलिस वाले, भागो 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 भागो, खतरनाक चला रहा हूँ भाई गाड़ी तो मैं 400 की रफ्तार पे। स्पेशली ये पुलिस वाले क्या है भाई, जब देखो तो बीच में ही गाड़ी मोड़ लेते हैं, इतनी दिक्कत होती है इनकी वजह से। वैसे फर्स्ट पर्सन व्यू में क्या एपिक चला रहा था मैं, ज़्यादा तारीफ कर दी। कहाँ आ गया गाड़ी का, क्या हाल हो गया है यार, कीचड़ी कीचड़, और ऊपर से पुलिस वालों की गोलियां पड़ रही है वो अलग। कम ऑन गाइस, वापस से 400 तक पहुँचाते हैं। हाईवे पूरा खाली है, भगाओ भाई भगाओ। पर यार भगाने देंगे तब ना भाई, ये पुलिस वाले देखना ये बीच में कैसे गाड़ी मोड़ देते हैं अचानक से, बहुत गुस्सा आती है। ये देखो कैसे मोड़ रहा है ये नालायक, 400 तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं ये गधे के बच्चे। ओके 200 तक, 250, ले ये 250 से ऊपर नहीं जा रही अब ये। कमोन भाई जा, हेलो क्या हो गया। ओके 380, 370, कमोन कमोन। ओके गाइज, पुलिस वालों की रेंज से थोड़ा बहुत तो आई गेस बाहर निकल चुका हूँ। एंड मेरी हैंडलिंग देखो भाई, क्या ही एपिक कंट्रोल भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं जैसे ही बोलता हूँ ना अपनी ड्राइविंग की थोड़ी सी तारीफ कर दूँ, उसी वक्त गाड़ी ठुकती है, उसी वक्त। या तो मैं गाड़ी से पूरा बाहर ही निकल के गिर जाता हूँ, या फिर गाड़ी उसी वक्त ठुक जाती है। हेडलाइट वेडलाइट क्या मस्त है इसकी। खैर हेडलाइट छोड़ो, भागाओ पहाड़ों की तरफ लेकर चलते हैं, इधर ही पुलिस वालों से बच सकता हूँ मैं। भागो 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 भागो। यार ये क्या स्टंट कार है क्या, कितने स्टंट कर रही है ये, फ्लिप्स कितने हो रहे हैं इस गाड़ी के। कम ऑन भाई गाड़ी थोड़ा और फास्ट, फास्ट तो है, अच्छी खासी है यार ये गाड़ी। ओ हैंडलिंग क्या मस्त है, ट्रेन की पटरी पे गाड़ी से रफ्तार पे भगा रहा हूँ भाई गाड़ी में। 260, रोड वाली स्मूथनेस नहीं है इस पे, स्टिल रोड से खाली तो है एटलीस्ट। वहाँ पे तो गाड़ियाँ इतनी है, गाड़ी ठुकती रहती है मेरी, लेकिन यहाँ पर नहीं ठुक रही है। स्टार्स ब्लिंक तो कर रहे हैं, वो जो 5 स्टार है पुलिस के, नहीं अब ब्लिंक करना भी बंद कर गए हैं। इसका मतलब देखो भाई, वो पुलिस वाले मेरे आजू बाजू ही हैं, उनसे अभी तक पीछा नहीं छोड़ा पाया हूँ मैं। उनकी रेंज से अगर बाहर निकलूँगा एंड काफ़ी देर रेंज से बाहर रहा, तब वो लोग मेरा पीछा आसानी से छोड़ देंगे। बट उसके लिए रेंज से बाहर रहना पड़ेगा, रेंज से बाहर मैं जा नहीं रहा हूँ। अभी जो टनल आएगी ना, आई गेस उसके अंदर काम हो जाएगा अपना। अरे कैसे उछल रहा है इस गाड़ी का पिछवाड़ा, फास्ट फास्ट भाई फास्ट। ओके नाइस नाइस, यहाँ से थोड़ा सा कर्व है राइट की तरफ, एंड देन थोड़ा सा कर्व है लेफ्ट की तरफ, एंड देन हियर वी गो, अब टनल आएगी भाई, हियर वी गो टनल। एंड टनल के अंदर ले जाके गाड़ी 2 सेकंड के लिए रोक देते हैं, देखते हैं पुलिस वाले टनल तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। आई गेस यहाँ सही है, यहाँ रोक देते हैं गाड़ी को। ट्रेन व्रेन आएगी तो मेरी गाड़ी नहीं टकरानी चाहिए। चलो भाई वेट करते हैं, देखते हैं पुलिस वाले यहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं। मुझे तो लगता है शायद पहुँचेंगे या पहुँच भी जाएंगे, कोई भरोसा नहीं भाई इन नालायकों का। ट्रेन आ रही है फिलहाल तो यहीं रुके रहते हैं कुछ देर के लिए भाई। ट्रेन आ रही है, मुझे नहीं लगता वो पुलिस वाले आएंगे। सीरियसली भाई देखना तुम लोग, अभी ये 5 स्टार मेरा पीछा छोड़ देंगे आराम से पीछा छोड़ने वाले हैं। नहीं आ रहे पुलिस वाले इधर से, तो पता नहीं इधर से आएंगे कि नहीं, मत आना भाई प्लीज़। 5 स्टार देखो काफ़ी स्लो ब्लिंक कर रहे हैं, स्लो ब्लिंक कर रहे हैं मतलब बहुत रेंज से बाहर हो चुका हूँ मैं। ओके अब धीरे धीरे और स्लो ब्लिंक करेंगे ये 5 स्टार, एंड देन ये बंद हो जाएंगे, एंड देन पुलिस मेरा पीछा छोड़ देगी। प्लीज़ आना मत भाई, आ मत जाना कोई सा, मैं सीरियसली मैं भाई गोलियाँ चला दूंगा। ओके स्टार्स काफ़ी ज़्यादा स्लो ब्लिंक कर रहे हैं अब, एंड किसी भी वक्त ये स्टार बंद हो सकते हैं। मेरा प्लान काम तो कर रहा है यार, टनल में छुपने वाला। बंद हो गए। ये हुई ना बात भाई, ये हुई ना बात, मज़ा ही आ गया भाई। ये पुलिस स्पेशल स्पोर्ट्स कार भी चुरा ली पुलिस वालों से काफ़ी आसानी से, इसे मेहनत थोड़ी ना करेंगे। कितनी आराम से मैं इधर आया, टनल में छुपा रहा बस, पीछा छूट गया। हाँ ये भगाने में काफ़ी हालत ख़राब हुई 400 से ऊपर, लेकिन मज़ा आया। तो ये पुलिस स्पेशल कार हम लोगों ने चुरा ली भाई पुलिस वालों से, वो भी लॉस सैंटोस पुलिस नहीं, पलीटो बे की पुलिस। सीधा करते हैं इस गाड़ी को, एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल। अभी लग तो नहीं रही है, स्क्रैचेस आ गए, बट स्टिल काफ़ी अच्छी लग रही है, स्पोर्ट्स कार तो लग रही है इतना तो पता चल रहा है। इसको जरा रिपेयर करवाऊँ क्या? यस गाइस रिपेयर तो करवाना बनता है भाई। देखो यहीं पर है एक रिपेयरिंग की शॉप पास में, चलते हैं ज़रा। जो एक रिपेयरिंग की शॉप थी उसके जस्ट बगल में ही देखो भाई पुलिस स्टेशन है, मतलब थोड़ी सी आगे ही, तो मैं सोच रहा था वहीं पर रिपेयर करवाएंगे, बट नहीं। मान लो भाई पलीटो बे की पुलिस ने कह दिया हो कि भाई देखो ये वाली गाड़ी कोई बंदा चुरा के भागा, एंड पुलिस वालों ने देख लिया तो फिर दोबारा पुलिस पीछे पड़ जाती,
इसलिए मैं इधर आ गया किसी दूसरी रिपेयरिंग शॉप पे। ये एयरपोर्ट की तरफ है, इधर भी पुलिस वाले भटक रहे हैं किसी और के पीछे हैं वो। फटाफट से यहाँ पे रिपेयर करवाते हैं इस गाड़ी को एकदम अल्टीमेट। एंड कलर मैं सोच रहा हूँ चेंज करवा लूँ ताकि पुलिस वालों को लफड़ा ना हो। भाई देखो कितनी गंदी हो चुकी है, पूरी टूट फूट गई, रिपेयर करवा लिया। कलर इसका चेंज करवाने की सोच रहा हूँ मैं, लेट्स चेंज द कलर। ओ क्रोम नहीं मेटेलिक, ब्लैक तो था पहले। इसका हम लोग करते हैं कुछ हटके, पुलिस वाले पहचान ही ना पाए जिंदगी में। ये बढ़िया लग रहा है, गैसोलीन ग्रीन, ये कैसा नाम है। सेकेंडरी कलर जो है इसका वो हम लोग येलो करवा सकते हैं, ये बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा भी कुछ कलर में हो सकता है, नहीं आई गेस ठीक है भाई, इतना सब कुछ ठीक है। ब्लू वाला थोड़ा चेंज करवा सकता तो मैं करवाता ज़रूर, बाकी ठीक है पूरी चेंज हो गई भाई गाड़ी, पुलिस वाले स्टिल पहचान लेंगे। स्पॉइलर पहले नहीं था ना, स्पॉइलर लगा दिया इस बंदे ने। मैं चेंज करवा रहा हूँ भाई ये ब्लू भी, मैंने ब्लू की जगह रेड करवा लिया। वैसे सीरियसली बताऊँ अब ये किसी भी एंगल से पुलिस कार नहीं लग रही है, ये एक फुल्ली रेस वाली स्पोर्ट्स कार लग रही है। ऐसा लग रहा है जस्ट ऑलमोस्ट अभी या तो रेस से आई है या तो रेस के लिए जाने वाली है। ऐसे भाई लोगो वो गई छपे पड़े इस पे, ऐसे डिज़ाइन ही है, लग रहा है अभी रेस पे जाएगी ये गाड़ी। खैर जैसी भी दिख रही हो बढ़िया लग रही है पहले से, तो मतलब पहले भी ठीक ही थी, अभी बढ़िया लग रही है। तुम लोग बताओ यार कमेंट में, पहले जो पुलिस स्पेशल कार थी जब ये, तब बढ़िया लुक था इसका या फिर अब बढ़िया लुक हो गया है, कमेंट में जाकर बताओ। एंड वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।